ए हेलो, कौन सा पहले बता, कौन सा कार्टून देखना चाहिए? तो वो भाई ने हमको चाय ऑफर की है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, मैं और शादाब। ये है चिनार की पत्तियां। फील्ड में गर्ल्स का फुटबॉल मैच होता हुआ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, तो सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग सुबह से ही शुरू किया जाए। तो अब हम चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, नीचे टाउन में जाएंगे और दिखाएंगे आज की सुबह कैसी होती है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइज हम आ चुके हैं अपनी बाइक के पास और चलेंगे हम नीचे टाउन में। दोस्तों मॉर्निंग टाइम है, सुबह 5:40 हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी मस्जिद से निकला हूँ नमाज़ पढ़ के, और अब थोड़ा यहाँ पर वॉक करने के बाद नीचे टाउन में वापस घर चलेंगे, फिर तैयार होके वापस फिर दोबारा नीचे आएंगे टाउन में और दिन भर की एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे। और मॉर्निंग टाइम का कुछ ऐसा ही नज़ारा है, खाली खाली सा, बहुत कम लोग निकले हैं और बारिश का मौसम हो रहा है और खूबसूरत सी मस्जिद और ग्राउंड में रनिंग करते हुए कुछ लड़के, और देखिए चारों तरफ बादल है और हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश हो। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वापस अपने घर और फिर रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके वापस एक बार फिर टाउन में आएंगे और दिन भर की एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे। तो अब चलते हैं वापस घर की तरफ। दोस्तों आते वक्त तो हम बाइक से आए थे, लेकिन जाते वक्त बाइक नीचे अपने गाड़ी के पास CRST के पास खड़ी करके अब पैदल पैदल जो है घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह वॉक भी ज़रूरी है और बेहद खूबसूरत मौसम हो रहा है। मॉर्निंग में क्लाउडी वेदर है और हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए। तो चलते हैं धीरे धीरे घर की ओर। ए माइलो, हाँ डर गया ना, बाय। तो गाइज रास्ते में एक खूबसूरत सा डॉग माइलो हमको मिल गया था और अब हम उस प्लेस पर पहुंचने वाले हैं जहां से अक्सर हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वो देखिए पीछे पेड़ और खूबसूरत सा वेदर हो रहा है। गाइज हम घर पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और ये देखिए मेरे पीछे क्या ब्यूटीफुल व्यू है लेक का, और बस 1-2 मिनट में हम अपने घर के अंदर होंगे, उसके बाद हम रेडी होके फिर वापस नीचे टाउन में आएंगे। तो गाइज मिलते हैं तैयार होने के बाद वापसी में। और मॉर्निंग टाइम में कुछ ऐसा नज़ारा है पहाड़ी से, हल्के हल्के बादल हैं पहाड़ों पर। फ्रेंड्स हम वापस घर से आ चुके हैं तैयार होके और अब चल रहे हैं टाउन में और दिखाते हैं आपको कि किस तरह का माहौल है नैनीताल के अंदर। वैसे इस मानसून सीजन का सबसे ऑफ सीजन का जो टाइम है, कम भीड़ भाड़ वाला, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है और पर्यटक ना के बराबर हैं। तो चलिए जैसा भी होता है चल के देखते हैं नीचे कि क्या कंडीशन है, क्या माहौल है। हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, छाता मेरे हाथ में है, बारिश तेज हुई तो इसका उपयोग भी किया जाएगा। और गाइस 10:30 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं नीचे धीरे धीरे और देखिए चारों तरफ बादलों का व्यू, सामने वाली पहाड़ी का बहुत सारा हिस्सा बादलों से ढक गया है। और गाइस सुबह हमें मिला था माइलो डॉग और अब मिल गई है खूबसूरत सी कैट। देखिए कैट कैट वॉक कर रही है और ऐसा लग रहा है छोटा सा लेपर्ड चल रहा है और ब्यूटीफुल है। लेकिन ये जो कैट है ना बहुत सुंदर लग रही है, देखिए ब्यूटीफुल लवली। फ्रेंड्स 11 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं नीचे और हल्का बहुत ही हल्की फुल्की भीड़ भाड़ है, पर्यटक तो ना के बराबर हैं और बारिश वाला मौसम हो रहा है, इक्का दुक्का पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। 10 बजे का टाइम है और मैं इस समय पंत पार्क में बैठा हुआ हूँ और ये 2024 का सबसे तगड़ा ऑफ सीजन का टाइम है। इस समय सबसे कम पर्यटक है नैनीताल के अंदर
और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर इस समय घूमने की, टैक्सीज हो गया और जो है होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, सब कुछ मिनिमाइज रेट में है, सबसे सस्ते रेट में आपको नैनीताल घूमने का समय है ये। तो आप नैनीताल चले आइए और इन्जॉय कीजिए नैनीताल का। बाकी बोट्स तो रेट फिक्स हैं। तो गाइज मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको कम बजट में रीजनेबल प्राइसेस में नैनीताल एक्सप्लोर करना है तो आप इस समय आ जाइए नैनीताल के अंदर। और नैनीताल में इस समय आपके पैसे भी कम लगेंगे और जो घूमने के जो व्यूज़ हैं वो अल्टीमेट, मानसून में तो गजब व्यू दिखाई देते हैं बादलों के, बारिश के। अब हम आ चुके हैं मल्लीताल DSA ग्राउंड के कॉर्नर पर और मल्लीताल फील्ड में जो है फुटबॉल मैच चल रहा है गर्ल्स का, जिसमें एक टीम है भारतीय सही सैनिक विद्यालय और दूसरी टीम का तो पता नहीं। और देखिए लड़कियां सारी बॉल के पीछे भाग रही हैं। ये मैंने बोला बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो फ्रेंड्स ये है न्यू स्कूटी और हमारे सहयोगी नासिर जो इस स्कूटी को लेके आए हैं। नासिर कम, आपको बहुत बहुत बधाई। कौन सी स्कूटी है? ये आपका ZR है। तो ये कमर्शियल है, तो अगर आप आए और आपको स्कूटी रेंट पे चाहिए तो आप नासिर से संपर्क कर सकते हैं आपको। और इनका फोन नंबर है बताइए, 800-666-254। हमारी बाइक के माध्यम से आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये स्कूटी नई है और बेहतरीन स्कूटी है और पिकअप जबरदस्त है। तो आप आइए नासिर से मिलिए या मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और स्कूटी रेंट पे लेना हो तो मैसेज कीजिए। थैंक यू। कौन सा पहले बता, कौन सा कार्टून देखना तुझे? कोई सा भी। अच्छा तेरा नाम क्या है? रिहाना। क्या प्यारा नाम है तेरा, गुड यार। अच्छा हम आ चुके हैं झील के बिल्कुल किनारे और आज बारिश का फोरकास्ट था लेकिन अभी तक तो हुई नहीं। और ये खूबसूरत सी पाल नौका, मछलियां झील में, और गाइस आप ये जो देख रहे हैं चिनार की पत्तियां हैं और ये लाइन से चिनार के पेड़ लगे हैं। देखिए क्या खूबसूरत लगते हैं, ग्रीन ग्रीन। गाइस 3:30 के आसपास का टाइम हो चुका है और वेदर आज पूरा दिन खिली खिली धूप रही और बारिश तो हुई नहीं, हालांकि बारिश का फोरकास्ट था बट बारिश नहीं हुई और वेदर बहुत अच्छा है। मेरे पीछे देखिए आप कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है पाल नौका का। और थोड़ा थोड़ा क्राउड शाम को हो ही गया है, क्योंकि शाम को 3-4 बजे के आसपास क्राउड हो ही जाता है थोड़ा। तो गाइज हम आ चुके हैं जूमलैंड के एरिया में और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत क्राउड है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ये प्लेस बहुत बेटर है बिकॉज यहाँ पे वीडियो गेम्स हैं और अंदर जाके रिंग हॉल है जहाँ स्केटिंग कर सकते हैं, कॉफ़ी चाय मैगी सिनेमा 3D सिनेमा कैपिटल सिनेमा है। देखिए तो ये वो प्लेस है जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं, मैं और शादाब, हम लोग जाएंगे कैपिटल सिनेमा, उसके बाद जाएंगे ऊपर और वहाँ तिब्बत मार्केट साइड और थोड़ा थोड़ा चाय भी पियेंगे। ठीक है, ठीक है, चाय पियेंगे। चाय पियेंगे, ज्यादा फेमस है, क्वालिटी आपकी भी बहुत बढ़िया होगी। तो चलिए दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और जो फुटपाथ मार्केट है वो लग चुकी है और धीरे धीरे फुटपाथ मार्केट को लगाया जा रहा है। हाँ जी, ये पाइन ट्रीज का है, पाइन ट्री का फल है जो, हाँ इसको पाइन कॉर्न कहते हैं। तो उसको ये पाइन कॉर्न्स को पेड़ों के नीचे जब गिर जाते हैं तो इनको बटोर करके यहाँ के स्थानीय निवासी जो कलाकार हैं, काश्तकार हैं, वो लोग इनको खूबसूरत सजाने का सामान बनाते हैं। और ये शादाब हमारे साथ ही व्लॉगिंग करते हुए। तो 4 बजे के बाद अलग अलग तरह की दुकानें लगती हैं यहाँ पर, फुटपाथ मार्केट कहते हैं इसे, और काफी सस्ता सामान मिलता है जो कि आपकी जिंदगी की जरूरतों के मुताबिक। ये देखिए कड़े, चूड़ियां, सूट्स, सॉक्स, हर तरह का सामान आपको यहां मिलेगा। ये लकड़ी के शोपीस चीड़ और देवदार की लकड़ी से और उसके कौन से उसके फलों से स्थानीय लोगों ने बनाए हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं टिप्टन मार्केट
और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसको भोटिया मार्केट कहते हैं और वो सामने जो है टिप्टन मार्केट स्टार्ट होती है। और आज आप हमारे साथ हैं बुबो भाई, इनका भी चैनल है। हेलो 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 गाइस। तो आपने इन्हें देखा होगा अक्सर नैनीताल के ब्लॉग्स में और ये शादाब और किसान भाई के साथ भी देखा होगा आपने। आज ये हमारे साथ हैं, आज पहली बार इनसे मुलाकात हुई है। अरे भाई साहब, पहली बार मिलकर काफी टॉल है, मैंने देखा दी था। हमारे शादाब जी कहते थे कि आरिफ भाई कभी बहुत बार बोला करते थे, आज मुझे प्रत्यक्ष से मिलने का मौका मिला। इसी तरह आप लोग भी हमारे व्यूवर्स रहेंगे, हमें देखने का मिलने का मौका आपको भोटिया मार्केट में मिलेगा। तो आप इस ब्लॉग के माध्यम से मेरी पहचान आप लोगों से होगी। कुछ लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा तो आप मुझे देख कर वो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा भी छोटा सा एक चैनल है, बोबू BOBO UK04 मेरा चैनल है दोस्तों, वहाँ विजिट कीजिएगा, जरूर आपका स्वागत होगा। थैंक यू भाई, बड़ा अच्छा लगा आज पहली बार मिला। मैंने आपको जिशान भाई के साथ वीडियो में बहुत देखा था, शादाब के साथ भी देखा था, और जब शादाब का चैनल मोनेटाइज हुआ था तो वो थप्पा वाला जो पार्टी थी ना वो भी देखी थी। आज आपसे मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे भी मेरा तो गाइज, हम इस समय बुबू भाई की शॉप में हैं और आज पहली बार बुबू भाई से मुलाकात हुई है, तो बुबू भाई ने हमको चाय ऑफर की है तो बहुत अच्छा लगा। हम अक्सर इनके वीडियो देखते थे, पहले मीटअप में चाय का हमारा संपर्क हुआ, चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके ब्लॉग के माध्यम से। तो व्यूअर्स जितने लोग हमें और ये सदा भाई को इस सर का ब्लॉग जो देखते हैं, हमें हम आपके लिए नए होंगे, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, जरूर ढूंढिएगा, सर्च कीजिएगा BOBO UK04 करते ही दोस्तों मेरा चैनल आपके सामने होगा और मुझे पाएंगे। तो गाइज, बोबो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अब हम आज चाय पीते हैं बोबो भाई के साथ। नेक्स्ट कंटेंट ये रहेंगे, सदाब जी एक बार हाई कह दीजिए। तो आज हमारी शुरुआत हुई है बोबो भाई के साथ दोस्ती की, तो मिलते हैं और मिलते रहेंगे। गाइज, शाम के बज चुके हैं 5 और हम आ चुके हैं ऊपर टाउन से। और गाइज, आज दिन भर आपको जो भी एक्टिविटीज़ हुई नैनीताल में वो सारी एक्टिविटीज़ हमने आपको दिखाई, और आज आपको बोबो भाई से भी मिलाया, शादाब से भी मिलाया। और गाइज, बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है, अब ब्लॉग का यहीं करते हैं अंत और मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। गुड बाय।